हे गाइस, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 66। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 65 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप एक बार देख लो, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो सकता है आपकी स्क्रीन पर, तो अगर आपके पास बुक है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप उससे समझ लीजिएगा। ऑन 31 मार्च 2020, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट ₹40,000, ₹30,000 and ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% had been omitted. For the year ended 31st March 2020 was 60,000 and the partner's drawing had been P का जो drawing दी गई है वो 10,000 रुपए है, Q की 7,500 and R का 4,500. Profit sharing ratio of P, Q and R is 3:2:1. Pass necessary adjustment entry. इस question में आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस यानी डेट से पता चल रहा है। देखो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है ऑन 31st मार्च 2020, इसका मतलब ये कि क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि उसी से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। तो पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितना दिया हुआ है, आपको बोला गया है 60,000, जिसका रेशियो बताया गया है 3:2:1। तो जब आप 3:2:1 में 60,000 को बांटोगे तो पी का निकल कर आएगा 30,000 क्यू का निकल कर आएगा 20,000 और आर का निकल के आएगा 10,000 और साथ में इसमें आपको ड्राइंग भी दी गई है, तो ये टू ड्राइंग पी की ड्राइंग आपको बताया गया है 10,000, क्यू का जो ड्राइंग है वो है 7,500 और आर का जो ड्राइंग है वो है 4,500। साथ में तीनों ही तीनों ही पार्टनर्स की आपको कैपिटल मतलब बैलेंस बताया गया है, तो यानी टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000, 30,000 and 20,000। टोटल लगा लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस साइड इज हैवियर, तो हम पहले इस साइड का टोटल लगाएंगे। तो इसका टोटल होता है ये 50,000 पी का, क्यू का जो टोटल है वो है 37,500 एंड आर का जो टोटल है वो 24,500। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा देंगे, 50,000, 37,500 एंड 24,500। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 50,000 क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 20,000, 37,500 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 17,500 और 24,500 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 14,500।
अब हम बना लेते हैं इसका एडजस्टमेंट टेबल, जो जिसमें हम देखते हैं कि क्या करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, और उनके बीच का डिफरेंस निकाल के हम ये बताते हैं कि अब हम कैसे करके इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज पी क्यू आर एंड टोटल. सबसे पहले हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं कि क्या होना चाहिए था. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा. तो आप देखो जो पी है, पी की कितना जो इनकी कैपिटल निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 20,000, और क्यू की 17,500 एंड 14,500. तो पी का जब आप 5% निकालोगे तो निकल कर आएगा 1,000, क्यू का निकल कर आएगा 875 और आर का निकल के आएगा 725. जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो ये आएगा 26,000. वहीं पर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका 2600 है, गलती से क्या हुआ है, ये 2600 आपने 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया है. तो दिस 2600 डिवाइडेड बाय 3:2:1, ठीक है, इस रेशियो में बट गया है. तो ये 2600 को जब आप 3:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो पी का आएगा 1300, क्यू का आएगा 867 और आर का आएगा 433. जो इसको टोटल करोगे तो ये 2600. अब हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. देखो 1000 में से 13000, यानी 13000 में से 1000 माइनस करेंगे तो 300, बट ये माइनस में आएगा, है ना. माइनस में आने का मतलब ये है कि हमको इसको कम रुपए देने थे लेकिन हमने इसे ज्यादा दे दिए हैं. ज्यादा दे दिए हैं तो वापस आएगा तो डेबिट होगा. तो मैं यहाँ डी आर लिख देती हूँ, ये हम टेक बैक है. उसके बाद में क्यू की अगर बात करें तो क्यू को कितना देना था हमको, 875 और दिया कितना है 867. इसका मतलब 8 रुपए क्रेडिट होंगे, यानी 8 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है. इसके बाद में आर की अगर बात करें तो इसको हमें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 725, लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 4433. इसका मतलब 292 इसका क्रेडिट, ठीक है, टोटल इनका. अब इनकी एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. तो मैं यहाँ पे आपको नीचे जर्नल एंट्री करके बता देती हूँ. पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, प्लीज वो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा. टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन बीइंग द कैपिटल अकाउंट नहीं बीइंग द एंट्री पास्ट, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि इक्वेशन में जब तक स्पेसिफिक ना बताया गया हो कि वो फिक्स्ड है तब तक हम उसे फ्लक्चुएटेड मान के चलते हैं. इसलिए फिक्स है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ये आएगा आपका 300
यहाँ पे 8 रुपीज और यहाँ पे 2.92। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दीज अकाउंट्स प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020, ₹24,000 had been credited to partner in their profit sharing ratio. They are drawing were ₹500 for Mohan, 5,000 for Mohan, 4,000 for Vijay and 3,000 for Anil during the year. आपको क्या करना है? Following omissions was noticed and it was decided to rectify the error. Interest on capital 10% per annum, interest in drawing Mohan 250, Vijay 200, Anil 150. Okay, so same question number 67 में भी पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 66 की तरह इसमें भी आपको जो बैलेंस दिया गया है ना वो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, चलो पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कितना दिया गया है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपको 24,000 रेशियो बताया गया है 1:1:1, मतलब नहीं बताया गया इसलिए हम इसको 1:1:1 मान रहे हैं। ठीक है, तो 8,000 फॉर मोहन, 8,000 फॉर विजय एंड 8,000 फॉर अनिल। इनका ड्राइंग बताया गया है आपको, टू ड्राइंग मोहन की ड्राइंग 5,000, विजय की ड्राइंग 4,000 और अनिल की ड्राइंग 3,000। साथ में क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है कि इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो 30,000, 25,000 एंड 20,000। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, मोहन का जो बैलेंस है वो कितना है, मतलब कैपिटल है वो 30,000, विजय का 25,000 और अनिल की 20,000। टोटल लगा लेते हैं, दिस साइड इज हैवियर तो हम पहले इस साइड का टोटल लगाएंगे, तो 30,000, 5,000, 35,000, 20,000, 25,000 एंड 5,000, 29,000, 20,000, 3,000, 23,000। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा लेंगे, 35,000, 29,000 एंड 23,000। 35,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो 27,000। This is the buy balance brought down. 27,000, 29,000 minus 8,000, 21,000. 23,000 minus 8,000, 15,000. Adjustment table बना लेते हैं। तो particular Mohan, Vijay and Anil. This is total. सबसे पहले हम देखते हैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था। देखो जो आपका अभी ये निकल कर आया है बैलेंस 27,000, मतलब बाय बैलेंस जो हमने यहाँ ब्रॉट डाउन निकाला, इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मोहन का जो मतलब कैपिटल है वो कितनी है, 27,000, 27,000 का 10% निकालेंगे तो 2700, विजय का 21,000 है, 21,000 का 10% निकालोगे तो
2100, अनिल का 15,000 है, 15,000 का 10% निकालोगे तो 1500, और ये टोटल हो जाता है 63,500। आप क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इसमें से लेस करोगे तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी गई है, विजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया गया है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 200 और इनकी 150, तो 200 150 माइनस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज दी गई है कि 24,000, देखो एक बार फिर से क्वेश्चन की साइड देखते हैं, 24,000 जो था वो आपका गलती से क्या हुआ है कि इस 25,000 में से ये जो हमारा 5700 निकल कर आया है ये गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब क्रेडिटेड टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गलती से ये 2400 में से ओनली 5700 गलती से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया है, बाकी का जो अमाउंट है 24,000 में से वो सही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम देखते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन देखो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, बाकी सारे क्वेश्चन में ये हो रहा था कि जो 24,000 था वही पूरा आप गलत, मतलब या तो पूरा प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट रहे थे, कुछ उस पूरे पार्ट में गलती हो रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज दे दी गई है कि 24,000 में से केवल 5700 जो है, ये वाला जो पार्ट है केवल आपने इसको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाकी का जो है वो आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या किया है, ये जो आपका 5700 है इसको आपने उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो मतलब 1:1:1 में बांट दिया है। इसका मतलब 5700 1900 फॉर मोहन, 1900 फॉर विजय एंड 1900 फॉर अनिल। अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो देखो 2450 माइनस 1900 इज इक्वल्स टू 550 क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना मिलना चाहिए था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 2450, बट मिला कितना है 1900, तो मतलब अभी 5550 क्रेडिट है। ऐसे ही विजय का कोई फर्क नहीं पड़ा, 19,000 उसको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी उसको उतना ही मिला है। बट अनिल की अगर हम बात करें तो इसको कम मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए था। ये हो गया माइनस 550, मतलब ये ड्रॉइंग डेबिट हो गया। तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मतलब जो पार्टनर्स का कैपिटल दी गई है वो फ्लक्चुएटेड दी गई है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जर्नल एंट्री बना देते हैं, अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। फाइव फिफ्टी
आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, 1st 4 2020, ठीक है। उसको ये मतलब होप आपको समझ में आया होगा। रिसीव होना कितना चाहिए था 2450, बट रिसीव कितना हुआ है केवल 1900, इसलिए ये क्रेडिट है। ये रिसीव ज़्यादा हो कम हुआ है 1350, और जबकि गलती से रिसीव उसको ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये टेक बैक होगा और ये हमें देना होगा।